ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर। और मैंने ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने अभी तक 5 से 6 इंटरव्यूज दे रखे हैं। और अब मेरे को 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी हो गया IT में। सो मैं सोचा कि एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस का भी प्लेस बनाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज विच आई हैव बिन थ्रू, जिससे बाकियों को भी हेल्प मिल सके। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ यार पहले। तो मेरा नाम अक्षय अनिल है एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BTech फ्रॉम SRM चेन्नई, बैच 2018 to 2022। तो मेरा पहला प्लेसमेंट यार ब्रिलियम हुआ था, राइट? तो थोड़ा सा और पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। कॉलेज में CGPA एंड ऑल ये सब मैटर करता है, मेरा कितना था एंड ऑल। तो मेरा CGPA 9.63 था, बट अभी किस स्टैंडर्ड में देखता हूँ तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ठीक है, 9.63 था। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कॉलेज में क्या था कि थर्ड ईयर ख़त्म होने के जस्ट बाद, आफ्टर 2 to 3 months कंपनी स्टार्ट विजिटिंग, राइट? तो थर्ड ईयर खत्म हो गया ना, आई रिमेंबर कि जो पहला मंथ था उसमें मैं प्लेसमेंट हो गया था। ब्रिलियो वॉज दी थर्ड और फोर्थ कंपनी जो हमारे कॉलेज में आई थी, राइट? तो इसके चारों राउंड्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें 4 राउंड हुए थे यार। पहला राउंड तो हमारा एक OA का था, ऑनलाइन एप्टीट्यूड, जिसमें 4 चीज़ें या 3 चीज़ें पूछी गई थी। एक था उसमें एप्टीट्यूड, एक था रीजनिंग, देन कोडिंग में 2 प्रॉब्लम्स थे, एक प्रॉब्लम्स थे हैश मैप और दूसरा प्रॉब्लम था नैपसैक का, 01 नैपसैक, दैट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये राउंड क्लियर हो गया। 01 नैपसैक का जो क्वेश्चन था बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट वो थोड़ा सा घुमा के दे रखा था उन लोगों में, इवेंचुअली होना वही था, राइट? तो वो राउंड क्लियर हो गया। एंड देन आफ्टर 2 to 3 days में भी हमारा राउंड 2 शुरू हुआ, जिसमें ग्रुप डिस्कशन राउंड था यार, ठीक है? उसमें क्या था कि हम कुछ बच्चे एक वर्चुअल सेशन में बैठे थे, क्योंकि वो तो कोविड का समय चल रहा था, तो एवरीथिंग वॉज वर्चुअल थे। तो हम लोग, हमारा ग्रुप जो GMeet में था, हमें एक टॉपिक थ्रो किया था, मेरे मेरे समय में और मेरे टाइम में, मैं कोई टॉपिक दिया गया था मूवीज़ के बारे में बताना, इज इट्स क्रिएटिंग गुड और बैड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, राइट? तो ये राउंड कवर करने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि GD होता क्या है एंड हाउ, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने, या फिर आप कुछ टिप्स ले सकते हो, मैंने देखा था कि अगर पॉसिबल है आप सबसे पहले स्टार्ट करो GD को, राइट? यू आर द फर्स्ट वन टू स्पीक, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि वो बस चेक करना चाहते हैं कि आप बोल सकते हो या नहीं अच्छे से, लाइक आप सबके सामने अपनी बात रख सकते हो या नहीं। तो बट मैंने वो ट्राई किया, बट फर्स्ट तो नहीं स्टार्ट कर पाया, लगता है बाकी ने भी रिसर्च कर रखा था। तो एक बंदा था, उसने भाई शुरू होते ही बोल दिया, मैंने भी बोला, उसने बोला, बट दैट वाज, ही वाज द फर्स्ट वन टू पिच इट, तो ठीक है। फिर मैंने पढ़ा था कि आपको 2 बार एटलीस्ट बीच में इंटरवीन करना है। एक तो आप अपना पॉइंट दोगे सबसे पहले, जो फर्स्ट टाइम जो आप अभी एंटर करोगे, या पहले बार या फिर जब भी, तो दैट आई डिड। उसके बाद आपको एक बार और इंटरवीन करना है एटलीस्ट वंस, किसी भी पॉइंट को, कि या आई एग्री टू योर पॉइंट करके, एंड देन स्टार्ट गिविंग योर ओन पॉइंट्स अगेन ऑन द सेम पर्सन हु जस्ट स्पोक बिफोर यू। तो वैसा किया। एंड देन राउंड 2 JD जब 10 या 15 मिनट का था, इसमें कुछ लगभग 10 से 15 बच्चे थे, तो आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा, लाइक सब लोग बोलना शुरू कर दे रहे हैं, राइट? और एक कोऑर्डिनेटर जो चिपने, और कुछ कुछ बच्चे थे जो बोले ही नहीं, तो वैसा भी केसेस था। तो ठीक है, तो ग्रुप GD यहाँ से क्लियर हो गया अपना। फिर हुआ हमारा थर्ड राउंड, ठीक है, जिसमें टेक्निकल इंटरव्यू था। अब इसमें यार 3-4 सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर आप फ्रेशर्स हो तो एकदम डेफिनेटली आपको पता ही होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर आपका है, हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS और कम्युनिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट? तो मेरा जो इंटरव्यू था वो स्टार्ट हुआ मेरे इंट्रोडक्शन से, हमने इंट्रोडक्शन पे बात की। फिर मेरे को 2 क्वेश्चन दिए गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, रिवर्स स्ट्रिंग एंड पैलिंड्रोम चेक। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन दिया गया था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके नहीं गया था कि ऐसे क्वेश्चन देंगे। मैं कहा चलो ठीक है, कर देते हैं। तो रिवर्स स्ट्रिंग का आपको पता ही है, स्टार्ट और एंड से ट्रैवर्स करो और स्वैप करते चलो, तो अपना वो N/2 में वो हो गया। पैलिंड्रोम चेक भी वैसे ही है, आप फर्स्ट और एंड से स्टार्ट करो, कैरेक्टर्स मिसमैच करो, राइट? तो वो भी हो गया अपना। लैंग्वेज टी स्पेस कॉन्स्टी हमने सब डिस्कस कर ली। अब इससे पहले इंटरप्रिटेशन में आपको अपना प्राइमरी लैंग्वेज भी मैंने बताया था, जो कि जावा। तो सेकंड जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन था वो मेरे प्राइमरी लैंग्वेज, दैट इज जावा पे थोड़े कपल ऑफ क्वेश्चन मेरे को पूछे गए, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में जहाँ मैं फंसा था फाइनल और फाइनली, उस समय मेरे को उतना अच्छा आइडिया नहीं था, एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा काम किया नहीं था, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में फंसा था। बट जो बेसिक्स थे जावा के, जावा कैसे काम करता है, 2-स्टेप प्रोसेस क्यों है, JVM क्या है, JDK क्या है, जावा के इतने क्वेश्चन थे, और व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा, तो लिंक्ड लिस्ट, हैडर लिस्ट, और एक क्वेश्चन और था जिसमें फंसा था, उसने पूछा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हैश मैप। तो मैंने उसको हैश मैप बताया, ट्री मैप बताया, उसने बोला एक और है, क्योंकि हैश मैप में क्या होता है, ऑर्डरिंग मेंटेन होता है, ट्री मैप में ऑर्डर मेंटेन होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग। एक और उसने पूछा था जो मैंने ही बताया, उसमें कभी नहीं पता होता था, कभी यूज़ नहीं किया था। तो थर्ड जो था एक लिंक्ड हैश मैप था, कि जिस अरेंजमेंट में एरे एलिमेंट्स आप पुश किए या फिर कोई भी आइटम्स पुश किए उसी अरेंजमेंट पे बाहर आएंगे। तो ये था एक, और भी ऐसे ही छोटे क्वेश्चंस, एरे लिस्ट, एरे में क्या डिफरेंस है, जावा, बेसिक जावा हुआ। उसके बाद हमारा ये लगभग 10 मिनट चला, पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू था मेरा।
और फिर हम गए ऊप्स पे। ऊप्स बहुत डिटेल डिस्कशन, उसने पहले फोर पिलर्स बताओ, तुमने बताया उसको एब्स्ट्रैक्शन, कैंसिलेशन, पॉलीमॉरिज्म, इनहेरिटेंस। अब उसने पॉलीमॉरिज्म के अंदर हो गया, फिर वो बोला रन टाइम पॉलीमॉरिज्म, कंपाइल टाइम बताओ। तो मेरा क्या था कि जब मैं भी पढ़ता हूँ तो एक पर्टिकुलर कोड में हमेशा मेरे दिमाग में रहता है किसी भी डेफिनेशन रिलेटेड, तभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो मैंने उसको वो पर्टिकुलर कोड उसको बताया और बोले देखो यहाँ पे रन टाइम कंपाइल टाइम हो रहा है, ठीक है। तो उसने मेरे एक्जिस्टिंग कोड में कुछ चेंज किया और बोला ठीक है अब बताओ क्या हो रहा है। तो ठीक था, तो लेकिन मैंने वो कर दिया। तो आप ये चार अच्छे से पढ़ लेना यार, रन टाइम वर्सेस कंपाइल टाइम पे खत्म हो गया कहानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे को बीएफएस डीएफएस डिफरेंशिएशन करना था, फिर वो भी हो गया। फिर नेक्स्ट आफ्टर 30 मिनट्स कुछ डीवीएम से क्वेश्चन मेरे को दिए गए, डिस्कशन ऑन कीज व प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ये सब क्या होता है। फिर लास्ट में ये सब इंटरव्यूज करने के बाद लास्ट में उसने कम्युनिटी से थोड़ा सा ही पूछ लिया मेरे से कि 7 लेयर्स इन ओएसआई मॉडल आपको आप पता है कि नहीं। तो मैं किसी तरह याद किया था, मैं अभी भूल चुका हूँ, ठीक है, मैंने कुछ एक्रोनिम नहीं बना के याद कर रखा था। तो मैंने उसको बता दिया, उसने बोला गुड गुड। उसके बाद उसने सीएन के और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। यहाँ मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका था और फाइनल जो उसी दिन मेरे को बता गया था गॉड सेलेक्टेड। तो हम लोग 35 लोग थे पूरे जो सेलेक्ट हुए फॉर द ब्रिलियो, राइट। तो ये जो चीज़ हुई ये पूरी September 2021 में हुआ, सिलेक्शन क्राइटेरिया एवरीथिंग। एंड हमारा एक सुपर सेट करके ऐप होता था SRM में, तो वहाँ पे आपको दिख जाता था कि यू हैव बीन प्लेस्ड। और SRM आप कॉलेज की भी अपनी क्राइटेरिया कि अगर आपको XCTC मिल गया है तो आप अप टू एक्स पे ही बैठोगे, लेट्स से 15 का लग गया है तो जो कंपनी 30 से ज़्यादा देगी उन्हीं में आप बैठ सकते हो। तो ये भाई सब कॉलेज के हैं तो क्या कर सकते हैं इसका। फिर ऑफर लेटर हमें जनवरी में मिल गया था, लगभग January 2022 में। फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये था कि उन्होंने कुछ कोर्स दिया, यूडीमी का एक आईडी बना के दिया जो कि फ्री था। ब्रिलियो में क्या है कि आपको यूडीमी का आईडी बना के दिया जाएगा फ्री है, जितना कोर्स करना है करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो पढ़ने में बहुत इन्वेस्ट करते हैं यार। तो ये भी पार्ट 1 है वीडियो का जिसमें बता रहा हूँ इंटरव्यू सिलेक्शन कैसे हुआ। पार्ट 2 में थोड़ा बताऊंगा ब्रिलियो में जो मेरी 1 ईयर 1 मंथ की जर्नी थी वो कैसी भी थी, वो भी डिस्कस करेंगे, वो पार्ट 2 रहेगा। और घर पे मैंने कैसे बताया क्योंकि यार जो पहला प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो मैं तो पहले घर पे बताया ही नहीं था कि मेरा प्लेसमेंट चालू हो गया है, क्योंकि लाइक वो पूछते रहते थे कब होगा क्या होगा, क्योंकि मैं कब खुद टेंशन में आपको कहाँ टेंशन दूँ। तो मैं बोला तो प्लेसमेंट चालू हो गया, मैं जब हो जाएगा तो बता देंगे, अभी मैं तो नहीं, अभी आएगी। खैर ये सब बात भी डिस्कस करेंगे। तो तीन चार कोर्सेज दिए गए थे। पहला था यार जावा यूनिट टेस्टिंग 5 DSA कोर्स का एक छोटा सा लिंक था जो करना था, और Java 8 हमें पढ़ना था, HTML, CSS, JavaScript, SQL, ये 5 या 6 कोर्सेज हमें कंप्लीट करने थे। टाइम इंटरवल दे रखा था 2-3 महीने का था, आपको सब करना है। और हर एक कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स पे एक असेसमेंट होता था ब्रिलियो की तरफ से। अब अभी ये तब की बात है जो हमने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। असेसमेंट होता था आपको 70% लाना है तो आप पास हो जाओगे, और नहीं तो अगर आप, हमने बहुत लोगों ने पूछा कि भाई अगर नहीं है 70% तो क्या होगा, हमारा ऑफर लेटर कुछ हो गया। मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको सेकंड चांस दिया जाएगा, फिर क्लियर करना, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने पूछा सेकंड टाइम में भी नहीं किया तो फिर तो आप सब मतलब HR पागल हो गया, कैसे बंदे हैं भाई सेकंड टाइम में क्यों पूछ रहे हैं, सेकंड टाइम तो कर ही दोगे। तो उन्होंने बोला कर लो, टेंशन नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा ऑनबोर्डिंग से पहले। फिर लगभग June 2023 में मेरा ऑनबोर्डिंग हो गया ब्रिलियो में, एंड दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी। मैंने और भी कुछ कुछ कंपनी के इंटरव्यूज दिए थे, लाइक ZS के दिए थे, तो उसके गेस्टिमेट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया था वहाँ पे, थर्ड राउंड था मुझे गेस्टिमेट। और भी थे बट शुरुआत में मेरा हो गया था यार, शुरुआत के 3-4 कंपनीज में ही ब्रिलियो थी, तो उसके बाद मैं किसी प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाया। अब मेरे पास ओनली ऑप्शन था कि मैं ऑफ कैंपस ट्राई करूँ, ठीक है। तो ठीक है, वो अभी बात के लिए रखते हैं बात। तो ये था यार ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस ब्रिलियो का। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिला होगा, एंड मिलते हैं फिर के नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में कि ब्रिलियो में लाइफ कैसी रही और what I have learned from my SD life, और आपको भी क्या गुड प्रैक्टिस और मतलब करनी चाहिए, क्या गुड प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिसेस होती है इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लाइफ में। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।